की मैं फ़ैन रहा हूँ रिया सेन का, बहुत खूबसूरत है और मैं उनकी माँ का भी फ़ैन था मुनमुन सेन का, और उनकी बहन का भी फ़ैन हूँ राइमा सेन का, और उनका भी फ़ैन हूँ रिया सेन। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, आई एम हैप्पी बिकॉज यू नो वॉट, कई बार कैसा होता है कि हमारे बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, और बड़ा अच्छा टैलेंट होता है वो फाइनली सिल्वर स्क्रीन तक नहीं आ पाता है, क्योंकि उस सिल्वर स्क्रीन तक लाने के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो उनके पास नहीं होती है। तो ये बहुत एक अच्छा माध्यम बन गया है शॉर्ट फिल्म कि इसके माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को दिखा सकते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। एंड ही इज़ अ गुड टेक्नीशियंस, उनकी काफ़ी फिल्म थोड़ा मेंटल इलनेस के ऊपर है, और रिया ने अच्छा काम किया, शी इज़ लुकिंग गुड। सो माई बेस्ट विशेज आर विद द टीम ऑफ लोनली गर्ल। यार खातून जो है, खातून के बारे में अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट खातून, बट इतना कह सकता हूँ कि खातून में जो मेरा किरदार है वो किरदार संतोष शुक्ला ने आज तक बॉलीवुड में नहीं निभाया है, एंड भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो इट विल बी अ मास्टरपीस और खातून विल बी रिमेंबर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऊपर वाले चाहा तो आप लोगों की बेस्ट विशेज रहीं, तो करेंगे, अच्छा काम करेंगे। राइट सर, take care, thank you.